अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब। और मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कैरी और इसकी बनाने लगी हूँ चटनी। एक दफ़ा मैं बनाना बता भी चुकी हूँ, तो इस तरह से ऐसे ही वर्बली आपको बता देती हूँ। ये सारी कैरियाँ जो है ना, ये खोल के जाएंगी ब्लेंडर में, साथ में डेढ़ सारी लहसुन, साथ में लाल मिर्च पाउडर और नमक। उसके बाद उसको अच्छे से आपने करना है ब्लेंड और आपकी यम यम चटनी जो है वो हो जाएगी रेडी। तो चलिए जी, दराज पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने दराज पे क्या फाइंड किया है। सो लेट्स गो। अच्छा जी, तो मुझे चाहिए थे जनाब अपने रूम के थीम के हिसाब से गोल्ड एंड रेड किस्म के कैंडल्स, जो कि मार्केट में इतना मैं ख्वार हुई और मुझे मिले नहीं कहीं से भी। इतना ढूंढ डांड के कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर मैंने सोचा कितने हो मेरे पाकिस्तानी एक्सप्रेस, और ये रहा जनाब हमारा दराज एक्सप्रेस। यस, और मुझे मिले मेरे थीम के हिसाब से जो मेरा रूम डेकोर है उसके साथ मैचिंग गोल्ड एंड रेड कैंडल्स। यस, आपको भी दिखाती हूँ। और ये है जनाब वाला कैंडल्स आ गई हैं, और इतनी खूबसूरती से इन्होंने एक एक कैंडल पैक किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बल्कि बता ही रही हूँ। तो जो है ना, पार्सल देख के मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से पैकेजिंग मैंने दोबारा से वीडियो में देखा, तो आप लोग के साथ मैंने सोचा शेयर करूँ। तो बाहर इसको मैं लेके चलती हूँ। पैकेजिंग इज़ वेरी नाइस, ठीक है। और एक एक कैंडल इन्होंने अलग से पैक किया है, हर एक कैंडल अलग अलग पैकेट में। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। और कैंडल भी काफ़ी जो है ना मोटे मोटे हैं, ये देखें। और अभी मैंने इसको जो है ना सेट किया है अपने कैंडल होल्डर्स पे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये आप देखें, हर एक कैंडल अलग अलग से प्लास्टिक रैपर में बंद है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनके पास हर कलर के हैं। अगर आपको भी अपने रूम डेकोर के हिसाब से चाहिए तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पेड कंटेंट नहीं है, लेकिन दराज फाइंड है। अगर मुझे कोई अच्छी चीज़ दराज के ऊपर मिल रही है रीज़नेबल, तो येस आई विल रेकमेंड। 850 विद डिलीवरी चार्जेस, ठीक है, मुझे मिले हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे ऐड कर रही हूँ। अगर कोई टिकटॉक के ऊपर ये वीडियो वॉच कर रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप ग्लिटर्स बाय हीर के नाम से यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा इसका। अगर आप लोगों ने मंगवाने हैं अपने रूम के डेकोर के लिए या कहीं की डेकोर के लिए, आप लोग मंगवा सकते हैं। सो येस आई एम डन। ओ, गिर गया, चले खैर कोई बात नहीं, चलें जी, हो गया। और लिंक आप लोग फाइंड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा जी, तो दराज फाइंड्स की वीडियो आप लोगों ने देख ली है, और जाते जाते मैंने सोचा मैं आप लोगों को कैरी की चटनी बता देती हूँ। इसमें अभी मैंने रेड चिली पाउडर नहीं डाला, गार्लिक है, नमक है, थोड़ा सा पानी है, ताकि ये ब्लेंड होके इस तरह से प्योरे इसका बन सके। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया ना, तो आप लोग समझ लें कि आप लोग जो है इसको मिस कर रहे हैं। तो ज़रूर ये चटनी ट्राई कीजिएगा। मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको दोबारा सीखना है तो मैं दोबारा भी बना सकती हूँ, कमेंट कर लें। और या फिर मेरे पास जो पुरानी वीडियो जिसमें मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिए। अगर आपको दोबारा जो है ना सीखनी है, वो भी आप लोग बताइएगा, लेकिन इसको मिस मत कीजिएगा भाई। ये इस मौसम की जो है ना सौगात है। मंगवाए अचार के अलावा ये जो चटनी है ना, आए हाय, अगर आप लोगों ने नहीं खाई ना, तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। इन्जॉय करें इसको किसी भी चीज़ के साथ। बस अभी तो ये मैं बना रही हूँ, अभी 2 आम जो है यहाँ पे बचे हुए हैं, वो भी मैं डालूँगी। डेढ़ सारा जो है ना गार्लिक मैंने यहाँ पे डाला है। और ये देखें, इस तरह का एयर टाइट जो है ना मैंने जार मंगवाया है, उसी में मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी और उसको मैं फ्रिज में रखूँगी। 1 महीने तक भी कुछ नहीं होगा भाई। ये खट्टी मीठी चटनी अगर आप बनाना चाहते हैं, मीठी नहीं है, अगर आप लोग खट्टी मीठी बनाना चाहते हैं, तो इसमें आप लोग थोड़ी सी चीनी डालिए। वैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं डाला, नमक डाला है, रेड चिली पाउडर है और गार्लिक है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पीछे से फ़ैन ऑन है तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। सो बस यहाँ पे मैं आप लोगों से बाय टाटा करूँगी, और ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।